नमस्कार साथियों, मैं पवन शर्मा बीकानेर से विजुअल आर्टिस्ट हूँ। राजस्थान फोरम सीरीज एवन टीवी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम थिएटर कैनवस लॉकडाउन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं आपसे आज अपनी कला के नरेटिव पार्ट पे अपनी कलाकृतियों के साथ में चर्चा करूँगा। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं जैसा कि आपको बता सकता हूँ कि मैं बीकानेर से हूँ। बीकानेर में ही मुझे ऐसा परिवेश मिला है, या यूँ कहें हर आर्टिस्ट को अपने परिवेश से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती आई हैं, और वहाँ की जो घटनाएँ हैं, वहाँ के जो जन जीवन शैली है, वो आपको परिपक्व करता रहता है। तो जो नरेटिव पार्ट है, या कहें अनकहे जो चीज़ें आपके कलाकृतियों में आती हैं, वो उनका उनकी जो भूमिका है, वो आपकी शुरुआत में आपके बचपन से ही आपके अंदर आती रहती है। चूँकि बीकानेर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो जनजीवन है या जो जीवन शैली है, वो बहुत ही हर फन मौला, मस्त मौला और हर सौहार्द से भरी हुई है। वहाँ पर हर छोटी छोटी चीज़ों को, घटनाओं को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है और हर त्यौहार को बहुत मज़े से मनाया जाता है। तो जब चीज़ें इस तरीके की बढ़ती गई, होती गई, घटनाएँ होती गई, जब बचपन में ऐसी चीज़ों के सामने में आता गया, तो चाहे अनचाहे मैं उन सब चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करता गया। ये आपके आप इंटेंशनली इस चीज़ को नहीं करते हैं, ये धीरे 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 आपके साथ सतत एक प्रक्रिया चलती रहती है। तो जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, उन सब चीज़ों का स्टोरेज बढ़ता है। जिस दिन आप एक्सप्रेशन लेवल पे चले जाते हैं, जैसे एक कलाकार के फॉर्म में या किसी और माध्यम के साथ में आप अपनी बात को कहना चाहते हैं, तब कहीं ना कहीं ये जो बैकग्राउंड है, ये जो स्टोरेज है, आपको पुश करता है और आपके काम में वो रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। क्योंकि वो एक तरीके का आपका बेस है और इसी बेस के सहारे हम चीज़ों को और ज़्यादा रिफाइन करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, और वह कहीं ना कहीं आपके काम में उनकी झलक भी दिखाई देती रहती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। वहाँ का परिवेश, वहाँ के लोग, जो जीवन है या फिर जो लोग वहाँ पर रहते हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है, उन सब का इम्पैक्ट मेरे परिवार की जो गतिविधियाँ हैं, पारिवारिक परिवेश का जो माहौल है, उन सब का इम्पैक्ट मेरे काम पे साफ दिखाई देता है। वो एक तरीके का एनालिटिकल अप्रोच या फिर उनका जो ह्यूमरस अप्रोच है जीवन जीने का, वो काम में साफ दिखाई देता है। बीकानेर के लोगों का जीवन शैली वहाँ पाटों पे बैठकर विश्व भर की चर्चा कर लेना, ये सब चीज़ें आपके काम में दिखाई देती है। ये जो नैरेटिव पार्ट है, वो मुझे वहीं से मिला है। और विजुअल के लिए मैं अगर बात करूं, तो ये विजुअल रिफाइनमेंट मुझे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में अपनी बेसिक एजुकेशन के दौरान मिला है, जहां पर मैंने अपनी बीएफए और एमएफए की डिग्री करी। ये जो रिफाइनमेंट है, उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेकर, कलर हैंडलिंग को लेकर, या ड्राइंग के एस्पेक्ट, क्योंकि एक तरीके का रिफाइनमेंट है। आप बचपन में चीज़ों को उस तरीके से देखते हैं, पर एक्सप्रेशन के लेवल पर ले जाने पर आप चीज़ों को अलग ढंग से उसको देखना पड़ता है। उसके लिए आपकी स्टडी आपको बहुत हेल्प करती है। ये चीज़ मुझे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के माहौल में मिली और वहाँ से मेरे काम में और ज़्यादा रिफाइनमेंट, परिष्कृत रूप उसमें आता गया। हालांकि ये अभी एक सतत प्रक्रिया है, इसे मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये अभी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। लगातार मैं इस सब चीज़ों में बहुत प्रयास करता रहा हूँ और आगे भी ऐसा करता रहूँगा। इन सब चीज़ों में मुझे जो अपने गुरुजनों और अपने साथियों का जो सहयोग मिला है, उस प्रक्रिया को मैं अपने काम में देखता हूँ। क्योंकि मैं एक जैसे अपने दूसरे साथियों का काम देखता था, तो उसमें जो रिफाइनमेंट या उसमें जो पॉलिश, जो काम का तरीका है, उन सब चीज़ों को मैं एक एनालिटिकल अप्रोच में देखता था। तो ये एनालिटिकल अप्रोच उसके काम में ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये एक तरीके का नैरेटिव अप्रोच मुझे अपने काम में मिला। ये मुझे सीखने को मिला कि कैसे लोग काम को देखते हैं, कैसे लोग परस्यू करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये जो टेक्निकल और फिलोसॉफिकल पार्ट है, मैं उसको समझने की कोशिश लगातार करता था।
पहली भूमिका मुझे बीकानेर से मिली और बाद में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में आने के बाद उसका जो रिफाइनमेंट हुआ वो मेरे काम में साफ झलक पाए। ये जो देखने का तरीका है वो मुझे धीरे 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 मेरा आगे बढ़ता गया। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में डिग्री के दौरान जो माहौल, जो कला, जो फ्रीक्वेंटली विजुअल्स का आना, वो एक तरीके का नरेटिव अप्रोच किस तरीके से मेरे काम में आया। बेसिकली अगर मैं नरेटिव की बात करूँ तो नरेटिव एक तरीके का स्टोरी टेलिंग है, और ये स्टोरी टेलिंग इतने सारे विजुअल्स का लगातार आना जाना, इतने सारे लोगों से मिलना, इतनी सारी बातचीत के साथ में, अगर मैं इतनी सारी बातचीत के साथ में अपने काम में देख पाया, ये नरेटिव अप्रोच कहानियाँ जो है, जो बेसिकली कहानियाँ हैं और छोटी छोटी कहानियाँ जो मुझे अपने सराउंडिंग से मिली, वो जो लगातार विजुअल्स का आना जाना रहा और फ्रीक्वेंटली, क्योंकि वो ऐसी जगह बिल्डिंग है जहाँ उसकी खुद की अपनी इतनी सारी कहानियाँ हैं। जब मैं आया तो मुझे पता चला कि ये एक अजब घर है, एक अजब सा घर, म्यूजियम जिसे हम कहते हैं। बाद में पता चला ये तो नमक की मंडी है। ये ऐसी कई सारी घटनाएं जो मेरे काम में ये रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि एक तरीके से एनेक्डोट से एक कहानी है, दूसरी कहानी उसी के अंदर है, तीसरी कहानी उसी के अंदर है। ये छोटी 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 अलग अलग कहानियाँ हैं, इंसिडेंट्स हैं और टाइम फ्रेम है जो एक तरीके का नरेटिव अप्रोच है। और नरेटिव अप्रोच जो है, या नरेटिव जो विजुअल नरेटिव्स हैं, वो नया नहीं है कला में। इसका अगर हम बात करें सभ्यताओं के साथ से ही हमने नरेटिव अप्रोच रखा है, विजुअल के फॉर्म में रखा है, कहानियों के ओरल ट्रेडिशन के फॉर्म में, और अपनी दैनिक रूटीन जो दिनचर्या है उन सब में हमने विजुअल नरेटिव्स को कहीं ना कहीं स्थान दिया है। देश काल समय के हिसाब से इन सब चीज़ों में परिवर्तन जरूर आया। ये परिवर्तन अगर हम देखें तो आज, पहले अगर हम नरेटिव्स को गुफा के चित्रों में देखते हैं, आज वो एक विजुअल फॉर्म में हमारे पास एक फिल्म की तरह हो सकता है या एक वर्चुअल रियलिटी के फॉर्म में भी हो सकता है। तो किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी और टाइम फ्रेम के साथ डेवलप होते गए हैं और नरेटिव्स के माध्यम और सब्जेक्ट मैटर को बदलते गए। हो सकता है शुरुआत में हमने जो चीज़ें हैं वो अलग पर्सपेक्टिव में प्रेजेंट की, आज हम एक अलग पर्सपेक्टिव में इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम एक नरेटिव के साथ जुड़े रहते हैं। उसका कंटेंट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं होता रहा है, पर यही एक तरीके का डेवलपमेंट भी रहा है इसमें, टेक्निकली भी और फिलोसॉफिकली भी। हम चीज़ों को बहुत संजीदगी से भी देखते आए हैं और बेहतर से बेहतर ढंग से प्रेजेंट करने के लिए प्रयासरत रहे हैं। तो नरेटिव के साथ में मेरा बहुत एक तरीका जो रहा है वो मुझे धीरे 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 समझ में आया। शुरुआत में मैं इससे बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं था, मैं केवल अपनी स्टडीज़ पे ही बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था, और बेसिकली मुझे ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी और ड्राइंग का जो अप्रोच है वो मुझे, जो रिफाइनमेंट है वो मुझे स्कूल ऑफ आर्ट में मिला। शुरुआत में तो सभी लोग जैसे सब लोग ड्राइंग करते हैं, कार्टून कार्टून कैरेक्टर भगवान और इन सब की, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो बाद में डेवलप हुई वो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की देन है। और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के दौरान मैं बहुत ज़्यादा रूबरू जो चीज़ों से होता था वो ऑब्जेक्ट से होता था, क्योंकि यूँ कह लें कि हम जो ऑब्जेक्ट्स का जो सीधा रिलेशन है हमारे जीवन से, हम हर रोज़मर्रा की चीज़ों में छोटे छोटे हर ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होते हैं, पर कहीं ना कहीं हम उन सब चीज़ों के साथ में उन सब की स्टोरीज को देख पाते हैं, उसका अपना लाइफ स्पैन, उसका अपना जीवन या उसका अपना कनेक्शन हमारी चीज़ों के साथ में किस तरीके से हैं, ये विजुअल नरेटिव के फॉर्म में मैंने देखना शुरू किया। और इसी क्रम में मैं अपने ड्राइंग्स में डेवलपमेंट करने की कोशिश करता रहा, हालांकि मैं शुरुआत में इन सब चीज़ों से वाकिफ नहीं था। ये चाहे अनचाहे धीरे धीरे आपके साथ साथ डेवलप होती, क्योंकि ये ठीक वैसा ही है कि कहानी अपने साथ साथ आपको डेवलप करती है और आप कहानी के साथ साथ डेवलप होते हो और चीज़ें एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। तो ये पैरेलल लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये पैरेलल लाइफ के जो नैरेटिव्स हैं, मैं उन सब को देखना चाह रहा था और उन सब को देखने की कोशिश कर रहा था। उसी क्रम में मेरी कुछ ड्राइंग्स मैं आपसे साझा करता हूँ और उसके कुछ नैरेटिव्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। मेरा कुछ कॉलेज लाइफ के बाद में मैं जब कुछ ड्राइंग्स कर रहा था तो उसी दौरान मेरी एक ड्राइंग है दो चेयर्स की। ये एक तरीके का एक टाइम फ्रेम है, एक तरीके का कन्वर्सेशन है, एक तरीके की नैरेटिव है, एक एनेक्डोट्स है, एक कहानी है, जिसमें एक स्कल्पचर फॉर्म में दो चेयर्स आपस में बातें करते हुए नजर आ रही है। हालांकि चेयर्स बातें नहीं कर रही, पर एक समय में यहाँ पर कुछ लोग या दो लोग आपस में बहुत सारी बातें कर रहे होंगे। वो टाइम फ्रेम आज भी उसकी पोजीशन उसी तरीके से पड़ी रहने की वजह से वैसा का वैसा बना हुआ है। अब इन सब चीज़ों में भले ही वो समय चला गया, पर उनके अनवरत जो कन्वर्सेशन है वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे।
ये आपके इस तरीके से मैं इसको काम में देखता आया हूँ कि भले ही वो लोग चले गए हैं, पर इनकी पोजीशन ये जब जिस स्थिति में थे उस स्थिति में आज भी हम उसके कन्वर्सेशन को कंटिन्यू किए हुए हैं। तो मैं इस तरीके से उसके पीछे की कहानी को देख आया हूँ और विजुअल में जो लाइट इफेक्ट है वो उसके टाइम को दिखा दिए, भले वो टाइम एक सर्टेन पीरियड की बात हो पर आज भी वो कैरी ऑन है, वो टाइम लगातार उसकी बात किए जा रहा है उस पोजीशन के साथ में। ऐसे ही कुछ ड्राइंग्स और भी हैं जिनमें मैं ऑब्जेक्ट्स के साथ में उसको कोशिश करता रहा हूँ कि मैं उसे देखूँ समझूँ। इन सब के पीछे भी कुछ न कुछ कहानियाँ रही हैं, छोटी छोटी कहानियाँ, छोटे छोटे इंसिडेंट्स जिन्हें मैं हो सकता है मैं अपनी तरफ से देख पाया समझ पाया, पर इन सब का अपना एक मोमेंट है, एक टाइम फ्रेम है जिसके थ्रू वो बात कह रहे हैं अपनी। ये स्टडीज़ मेरी ऑब्जेक्ट्स की रही हैं। ऑब्जेक्ट्स के बाद में मैं धीरे 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 विजुअल्स की तरफ या ऐसा कहूँ फिगरेटिव की तरफ गया और फिगरेशन के साथ साथ मुझे ह्यूमन बिहेवियर की तरफ मुझे मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा आया, क्योंकि एक तरीके का कैसे हम लोगों को बिहेवियरल चेंज के साथ में देख सकते हैं या अपने अंदर किस तरीके से ग्रेजुअली डेवलपमेंट हो रहा है, वो चाहे वो नेगेटिव और पॉजिटिव कई तरीके के थॉट्स आते हैं, उन सब थॉट्स के साथ साथ हम अपने डेवलपमेंट को देखते हैं। और उसी क्रम में मेरा एक पूरा सीरीज रहा है ग्रे मैटर, जिसमें मैं ब्लैक और वाइट, ह्यूमन माइंड के ब्लैक और वाइट के जो दोनों आस्पेक्ट्स हैं उन सब चीज़ों को देखने एक साथ देखने की कोशिश कर रहा था। और उसी क्रम में मैं जो आसपास की घटनाएं हैं या ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से विजुअल में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो शुरुआत में मुझे बहुत मुश्किल हुई इन सब चीज़ों के लिए। तो मैंने क्योंकि एक फिगरेशन को हर बार अपने हिसाब से पोर्ट्रे करने में ज़रा मुश्किल आती ही है और वो मैं इतना ज़्यादा शुरुआत में काम में मेरी ड्राइंग इतनी ज़्यादा इम्प्रूव वाइज नहीं थी, पर धीरे धीरे मैंने उसमें प्रैक्टिस करी और अपने काम में मैं सेल्फ को पोर्ट्रे करना शुरू किया। सेल्फ को पोर्ट्रे करने के पीछे मेरा रीज़न यही था कि मैं चीज़ों जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो बहुत आसानी से उस पोस्चर के साथ में आराम से कह सकता हूँ। उसी क्रम में मेरी एक स्टोरी जो रही है वो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग हमारा एक तरीका है, हमारी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम अपने नाखून घिसते हैं। नाखून घिसते हैं, इससे हो सकता है कुछ नहीं हो, पर कई लोगों का एक मानना है कि उसके साथ साथ हमारे बाल बड़े हो रहे हैं या हमारे बाल काले हो रहे हैं, इस तरीके के अपने अपने थॉट प्रोसेस हैं। पर मुझे लगा कि ये कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, पर मैं उस चीज़ को इस तरीके से देख पा रहा था कि ये भले ही कुछ और डेवलपमेंट ना हो पर एक तरीके का इमोशन, एक तरीके का फील, एक तरीके का बिलीफ है जो आपके अंदर डेवलप हो रहा है। ये बिलीफ आपके काम में आपके चीज़ों के साथ में आ रहा है। पर तो मैंने उसी तरीके से अपने पोस्चर को डेवलप किया और मैं अपनी कोशिश कर रहा था कि मैं भी अपने नाखून घिसूँ तो क्या शायद कुछ मुझे मेरे अंदर ग्रो हो जाए। तो वो जो ड्राई माइंड है या जो ब्लैंक माइंड है उसके अंदर मैं कुछ ना कुछ चीज़ों को ग्रो करने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान कुछ बबल्स मैंने इसको ड्रॉ किए जो अपने अपने थॉट्स के बबल्स हैं, अपने अपनी चीज़ों के आइडियाज़ के बबल्स हो सकते हैं। उसी क्रम में मैंने इसी चीज़ को डेवलप करते हुए अपनी ड्राइंग में अपने एक इमोशन को डेवलप किया। ये इमोशन एक तरीके से बाकी चीज़ों में तो लोगों के बाल बड़े हो रहे हैं, पर मैंने अपना एक इमोशन जरूर डेवलप किया। ये इमोशन मुझे उस जैसे एक सूखी हुई चीज जगहों के बीच में एक फूल खिला है, तो वो फूल आपके के लिए एक लाइफ का प्रतीक है, वो लाइफ आपको एक नई एनर्जी देगा, ये लाइफ आपके इमोशन को डेवलप करता जा रहा है। तो ये एक तरीके का भले मिथ्स हो कि ऐसा करने से ऐसा होता है, पर कहीं ना कहीं एक बिलीफ जरूर डेवलप होता है कि ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ डेवलप होता है। तो ये भले ही एक एनेक्डोट है, भले ही एक कहानी है, भले ही एक मिथ है, पर कहीं ना कहीं हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं हम लोगों से जुड़ा हुआ है। और यही कहानी मैं अपने उसमें कोशिश करता हूँ कि ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो मैं अपने काम में पोर्ट्रे करने की कोशिश करता हूँ। इसी क्रम में मैं अगर आगे बात करूँ आपसे तो ये दो विजुअल्स हैं जिसमें एक सर्टेन गेम जो बचपन में हम खेलते आए हैं, पर सभी लोग गेम खेलते हैं, पर मुझे लगा कि गेम खेलना एक तरीका हो सकता है, पर कई कई आप भी एक गेम के हिस्सा होते हैं, एट ए टाइम आप किसी गेम का हिस्सा हो, एट ए टाइम आप कहीं गेम खेल रहे हो, तो दोनों चीज़ें एक साथ आपके जीवन में चल रही होती हैं। आप प्ले कर रहे हो किसी के साथ, पर कोई आपके साथ प्ले कर रहा है। तो कुछ इस तरीके की घटनाएं कभी आप अपसाइड डाउन होते हो, कभी आप गेम से बाहर होते हो, कभी गेम में ही आपके साथ नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें चलती रहती हैं। तो
इस तरीके से मैं चीज़ों को, छोटी छोटी घटनाओं को अपने काम में देखता आया हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने जो ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर को है वो समझ पाऊँ, उसके फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स को समझ पाऊँ, या कैसे सोसाइटी में किस तरीके से चीज़ें बदलती जा रही हैं, धीरे 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 किस तरीके के थॉट प्रोसेस में चेंज आ रहा है, वो चाहे मेथड्स हो, चाहे रिचुअल्स को लेकर हो, या टाइम फ्रेम के साथ में हमारे जो हमने जो अमेंडमेंट किए हैं उसमें, उसकी वजह से जो एक नई इमेजरी क्रिएट हो रही है या इस तरीके का एक सोसाइटी में नया थॉट डेवलप हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो पकड़ पाऊँ, वो समझ पाऊँ और उसी के थ्रू मैं अपनी बात कर पाऊँ। उसी तरह मेरी कई मैंने एक रूटीन लाइफ में थोड़ा चेंज करके, एक मतलब अपने जो वर्क प्रोसेस है उसमें थोड़ा चेंज करके मैं एक स्टोरी तक पहुँचा। ये हालांकि एक सर्टेन टाइम की स्टोरी है जिसमें मैं रोज एक रूटीन रूट से आना जाना मेरा बना रहा। उस रूट में मुझे कहीं ना कहीं रोज एक टैंकर फॉर्म दिखाई देता था। टैंकर आना जाना हमारे लिए, टैंकर हमेशा पानी के सप्लाई के लिए जाता है। तो जिस रूट पे मेरा रोज आना जाना था, मैं देखता था कि रोज लगातार हर दिन नए 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 टैंकर्स इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं और उन टैंकर्स पे खूबसूरत विजुअल हमेशा बहुत कुछ एलिमेंट जो मुझे बहुत अच्छे लगे और जिनको मैं डे बाय डे सर्च में भी रहता था कि देख पाऊँ कि कितने सारे विजुअल्स हैं हमारे आसपास और कितने खूबसूरत हैं। उन खूबसूरती को कैप्चर करने के साथ साथ मैं उनके कई कई किलोमीटर उनके साथ जाता रहता और मैंने जब उनको कैप्चर किया तो ये मैंने पाया कि मैं लगातार इनकी संख्याएं बढ़ते हुए देखता जा रहा हूँ। रोज एक दो तीन चार करते करते 100-200 टैंकर्स हमारे आसपास बढ़ गए। तो एक दिन मैंने जब ऐसा इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि हम अपने आसपास इन टैंकर की संख्या का जैसे जैसे बढ़ रही है हमारे आसपास एक क्राइसिस भी बढ़ता जा रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक वाटर क्राइसिस को। तो ये एक स्टोरी मेरे दिमाग में अचानक से आई, क्योंकि मुझे लगा कि ये संख्या बढ़ना खूबसूरत विजुअल अपनी जगह पर था, पर कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चैलेंज और एक अलग तरीके की बात है जो छोड़ के जा रहा है। तो मैंने इसके पीछे एक सर्टेन एरिया को मैपिंग करी और वो सर्टेन एरिया जिस एरिया में मुझे जो जो टैंकर दिखाई दिया उन सब का गूगल मैप के थ्रू मैंने इमेज लिया और फोटो मोन्टाज की तरह मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। ये फोटो मोन्टाज का कहानी कहाँ से आया? ये फोटो मोन्टाजेज अगर हम अपने ट्रेडिशन में जाएँ या अपने पुराने तरीकों में देखें तो हमारे घरों में कैलेंडर फॉर्म में हमें कई सारे बैकग्राउंड अलग अलग इमेजेस मिलेंगे जिसमें पीछे का बैकग्राउंड अलग है, आगे भगवान की तस्वीर या किसी और राजनेताओं की तस्वीर या और किसी महान विभूतियों की तस्वीर उसमें ऐसे फोटो मोन्टाजेस के फॉर्म में मिलती है। ये हमारे जो ऑडियोग्राफ के टाइम पीरियड के कई सारे ऐसे प्रोडक्शंस हुए हैं तो वो इमेज मुझे अपने बचपन से मिली है। वो हमारे घर परिवार के कैलेंडर फॉर्म्स में हमें मैंने उनको बचपन से देखा है और कहीं ना कहीं उसका एक इमेज मेरे अंदर शुरू से बना हुआ था। तो मुझे लगा कि मैं इस तरीके से इसको पोर्ट्रे करूँ। हालांकि ये एक अलग स्टोरी है पर वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, पर यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो अपने आप में एक नई बात कहती है कि खूबसूरती के साथ में हमारे पास आसपास कहीं ना कहीं ऐसी समस्याओं का भी हम देख सकते हैं। तो एक तरीके की स्टोरी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके थ्रू मैं कोई मोमेंट चला रहा हूँ, बट हाँ ये एक तरीके की बात है जो मैं सब लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आसपास अवेयर रहें, देखें चीज़ों को कि किस तरीके की खूबसूरत विजुअल हो सकता है, उसके साथ साथ जुड़ी हुई घटनाएँ भी हमारे साथ में रहें। और मैं उन्हीं सब की कोशिश करता रहता हूँ कि मैं अपने आसपास देखूँ कि कितने सारे विजुअल्स और कितने सारी स्टोरीज हैं और उनके एनेक्डोट्स हैं, एनेक्डोट्स के थ्रू अपने विजुअल्स में कन्वर्जन करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनके जो उनके बिहाइंड जो कोई और बात है। जैसे मैं पहले ही कहता हूँ कि कहानी के अंदर कहानी, तो जैसे हमारे पुराने कहानियों में होता था कि एक कहानी होती थी उसका महात्म्य बताने के लिए, महत्व बताने के लिए दूसरी कहानी होती थी, उस कहानी को बताने के लिए तीसरी कहानी होती थी। तो ये कहानियों के अंदर जो कहानियां हैं पर विजुअल्स के साथ में उसको कैसे पोर्ट्रेट किया जाए, मैं उस पर कोशिश करता रहता था और मैं अभी भी उसी के लिए प्रयासरत हूँ कि मैं उस चीज़ को समझ पाऊँ और अपने विजुअल्स को और ज़्यादा एनरिच कर सकूँ, डेवलप कर सकूँ। उसी क्रम में मेरा एक पेंटिंग है। मैं इस पेंटिंग के थ्रू अपने जो समाज के जो थॉट प्रोसेस में बदलाव है वो और एनवायरमेंटल जो चेंजेस हैं उसकी बात कहना चाह रहा हूँ। अब दोनों चीज़ों को मर्ज करना मेरे लिए थोड़ा सा वैसा, मैंने कोई ऐसा बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं किया, बट हाँ मेरे पास आसपास ऐसी घटनाएं होती ही रहती है तो वो आप कुछ चीज़ों को अपने आप हेल्प करती रहती है।
ये ठीक वैसा ही था कि जैसे जैसे हमारे आसपास बारिश का क्राइसिस शुरू हुआ, लोगों ने कई सारी कहानियां हैं जिसमें हम कुछ पर्टिकुलर एरिया में मेंढक और मेंढकी की शादी कराई जाती है बारिश के लिए, एक तरीके का रिचुअल है ये, जो गलत नहीं है, पर एक टाइम फ्रेम के साथ साथ हमने उसमें कितना बदलाव कर दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जो हर एनिमल जो इस पृथ्वी पर लिविंग बींग है उसका जो अपना लाइफ स्पैन को बढ़ाने का जो तरीका है, नेचर ने उसको अपना तरीका दिया है, वो उसके साथ साथ बढ़ता रहता है, चलता रहता है, परंतु ह्यूमन उससे कैसे अफेक्टेड है, ह्यूमन ने उसको किस तरीके से देखा है और हम हमारे समाज ने उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक नेचुरल वे से बारिश हो रही थी तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जैसे जैसे बारिश का क्राइसिस शुरू हुआ तो लोगों को लगा कि ऐसा बारिश ऐसा करवाने से, मेंढक और मेंढकी की शादी करवाने से बारिश होती है, ऐसे कई सारे मिथक होंगे और हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसी स्टोरीज होती भी होंगी, मैं उसे गलत नहीं बता रहा, पर ऐसी घटनाएं होंगी, वो मेरे लिए घटना के तरीके से। तो सोचिए कि जो एक नेचुरल प्रोसेस था उसको हमने ब्रेक करके आप अलग अलग जगहों से मेंढक और मेंढकी लाते हैं और उनकी शादी करवाते हैं। हाँ, और एंजॉयमेंट के लिए तो ठीक है ये बात कि आप उसको वैसे देख रहे हैं कि एक तरीके का आपकी लाइफ में एक एंजॉयमेंट है ना, और एंजॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ओके कि आप उसके साथ साथ अपनी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स क्रिएट कर रहे हैं जिससे आप अपने जीवन को एंटरटेन कर सकें, परंतु क्या ये सही है? ये जो नेचुरल प्रोसेस को नेचुरल हैबिटेट में जो रहने वाले एनिमल्स हैं और वो जो लिविंग बींग्स हैं उन सब के साथ क्या जस्टिफिकेशन है? मैं उन सब चीज़ों को देखा था कि लोग अपने फायदे के लिए उसमें देखिए पीछे कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ कितना जुड़ा हुआ है कि हम हमारा बारिश हो इसलिए हम शादी करवा रहे हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि बारिश तो ऑटोमेटिकली हो, उसके लिए जो दूसरे रास्ते हैं उस पर काम किया जाना चाहिए ताकि ऐसे जो हैपनिंग्स हैं वो होती रहे लगातार, पर हम उसके दूसरे चैनल से चल रहे हैं, हम ऐसी शादियां करवा रहे हैं, ऐसा इवेंट्स करवा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि बारिश हो, बारिश के लिए जरूरी चीजें कुछ और हैं, हमें शायद उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये एक तरीके का मेरा नैरेटिव मैं उसमें ढूंढ रहा था और मैं दोनों मेंढक और मेंढकी को एक दूल्हे के और दुल्हन के फॉर्म में शादी वाले मंडप में देख रहा था और पीछे जो सर्कल्स और क्लाउडी फॉर्म्स मैंने क्रिएट किया ताकि वो एक बारिश क्रिएट करे, तो ये बारिश किस तरीके की है और ये किसके लिए फायदेमंद है ये नहीं पता, बट मैं इस तरीके से इस चीज़ को देखता आया हूँ और ऐसे ही विजुअल नैरेटिव्स में अपने काम में डूबता रहता हूँ और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ कहानियाँ हैं जो चीज़ें मुझे हेल्प करती है और मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि अपने अपनी बात इस ढंग से कह सकूँ। तो इन सब चीज़ों में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ग्रेजुअली किस तरीके से हमारे ह्यूमन माइंड में किस तरीके से चेंज आया है, कैसे कैसे सोसाइटी ने अपना फॉर्म बदला है, कैसे कैसे रिचुअल्स ने घटनाओं ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आज गांव में अलग जो चीज़ें हो रही हैं वो शहर के पर्सपेक्टिव में देखें तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है या उसको हम किस तरीके से ले रहे हैं, तो कई सारी चीज़ें तो हमें पता ही नहीं है, तो ऐसी सारी चीज़ों को मैं पोर्ट्रे करने की कोशिश करता हूँ। इसमें किसी मुद्दा या किसी बात किसी समस्या का उद्घाटन स्वतः ही हो जाए वो एक अलग बात है, पर मैं उसके पीछे जो एक एंजॉयमेंट है उसके पीछे जो एक ह्यूमर है उसके पीछे जो एक बात है उसके पीछे जो कहानी है वो बताने में मेरा ज़्यादा प्रयास रहता है, ऐसे ही कोशिश मेरी रहती है। और इसी क्रम में मैं एक और कहानी है या नैरेटिव है जो एक एनिमल किंगडम को लेकर है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हाल ही फिलहाल मेरा ज़्यादा ध्यान एनिमल किंगडम्स की तरफ है, पता नहीं कि ये एक नेचर का ही अपना एक वो कहता ना कि आपको इंट्यूशंस हैं कह लें या नेचर के साइंस हैं जिनको आप पहचानने की कोशिश करें, तो आजकल हर तरफ जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है वो एनिमल किंगडम है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये एनिमल किंगडम को किस तरीके से हम पोर्ट्रे कर सकते हैं या उनकी मैं समस्याओं का उजागर ही नहीं बट उनके साथ साथ उनकी जो लाइफ है और उनको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे धर्म ग्रंथों में तो इनकी भरमार है, हमारे धर्म ग्रंथों में हर एनिमल को एक भगवान के आसपास ही रखा है, उनका स्थान कहीं ना कहीं उनके बराबर ही रखा है, कम नहीं रखा गया है, तो किस तरीके से आज हमने उस पद को कितना कहाँ स्थान दिया है और आज हमारी लाइफ में वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारा उनके साथ में कैसा कनेक्शन है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं उसी कोशिश में हूँ यहाँ पर भी एक पूरा एक हमारे आसपास की घटनाओं में जो एक फ्यूचर प्रेडिक्टिव बैल है जो खुद अपनी
अपने लाइफ में हैं पर वो दूसरों के फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा है, उनका एक सर्कल है, अपना लाइफ का स्पैन है, और हमारा सबका अपना एक सर्कल है, लाइफ का एक तरीका है, तो कैसे वो अपने सर्कल में रहकर आपके सर्कल की बात कह पा रहा है, आपको अपना आपके थ्रू अपनी बात कह पा रहा है। तो मेरी कोशिश ऐसे ही कहानियाँ, ऐसे ही आसपास की चीज़ों को देखते हुए अपने खला के थ्रू, अपनी चीज़ों के थ्रू प्रेजेंट करने का एक माध्यम रहता है, और मैं उसी में लगातार कोशिश करता रहता हूँ कि मैं चीज़ों को अच्छे से ज़्यादा समझ पाऊँ और देख पाऊँ। विजुअल आप जो देख रहे हैं इसमें भी एक ह्यूमन कंडीशन है, वो ह्यूमन की मतलब एक फैमिली है, उसके सामने उसका एक पूरा जो घर है मतलब उसको वो देख रहे हैं किस तरीके से वो ग्रेजुअल डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। परंतु एक सर्टेन एक इंसिडेंट था, उसकी बात है ये, किसी जिसने वो अपने घर को टूटते हुए देख रहे, तो एक्सप्रेशन उस तरीके से कि वो एक मदर इंडिया की तरह मुझे सामने लेते थे, क्योंकि हाँ उसी समय में जब मैं विजुअल के साथ में कनेक्टेड हुआ तो सेम टाइम में मैं मदर इंडिया विजुअल्स को देखता रहा या मदर इंडिया फिल्म को देख रहा था, तो जो मेरा कनेक्शन मदर इंडिया के साथ में था वो कनेक्शन कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल मदर इंडिया का फिल्म में नरगिस का था, कहीं ना कहीं इस लेडी का भी उसी उससे आसपास कोई स्ट्रगल रहा होगा जो उसके सामने बना बनाया घर उसका लड़का हुआ देख रहे थे। और एक मोमेंट है, एक सर्टन टाइम फ्रेम की बात है, पर मैं उसकी एक्सप्रेशन से उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाया, फील कर पाया, उसके पेन को देख पाया, तो मैं वो कोशिश कर रहा था कि कैसे वो चीज़ों को पोर्ट्रे किया जाए। तो एक मोमेंट जो मैंने कैप्चर किया उसको मैंने पोर्ट्रे किया और उस तरीके से उसके पूरे उसको समझा पाया या बात कह पाया, अपनी कोशिश कर पाया कि मैं बात अपनी पोर्ट्रे कर पाऊँ। ये जो वर्क्स आप देख रहे हैं अभी फिलहाल, उसमें मैं जो लॉकडाउन हुआ अभी जो पैंडमिक के दौरान, उस दौरान ये मैंने काम स्टार्ट किया, जिसमें लोगों के जो एक्सप्रेशंस हैं किस तरीके से बदल गए हैं, किस तरीके से उनकी लाइफ में किस तरीके से चेंजेस, जो एक एक तरीके का भाव है वो एक तरीके का क्रिएट हुआ, उनकी लाइफ के जो कलर्स हैं किस तरीके से उनके अंदर से चले गए, या फिर उनका जो पोर्ट्रे है वो देख पा रहे थे, वो मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे वो लोग उनकी रंगत जो है वो किस तरीके से बदलती गई है। तो वो रंगतों को लेकर मैं इस पूरे सीरीज़ में काम कर रहा था कि इस लॉकडाउन के दौरान कि कैसे लोगों के एक्सप्रेशंस बदल गए हैं और कैसे चीज़ों में वो फील कर पा रहे हैं, ये एक तरीके की बात है। साथियों, ये मेरा एक एक्सप्रेशन आपने देखा, और आप सभी लोग इस कार्यक्रम में भाग आप सभी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान फोरम श्री सीमेंट एबल टीवी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस वर्चुअल सेशन थिएटर कैनवस लॉकडाउन सीरीज के अंतर्गत आप लोग इसका हिस्सा बने, आप सभी लोगों को इस बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। इन सब चीज़ों से इन सब इस कार्यक्रम की जो संकल्पना जिन्होंने की उसके मुख्य कर्णधार में संदीप भदौरिया जी, श्री पंडित विष्णु मोहन भट्ट जी, लीला अरुण जी, अशोक राही जी, विद्यासागर उपाध्याय जी, सर्वेश भट्ट जी और पूरी टीम
और भी टीम के मेंबर्स जो इस सब में इस कार्यक्रम को पूर्ण करने में जिनों का सहयोग रहा, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद इस कार्यक्रम के लिए। आप सभी ने इसमें हिस्सा लिया, आप सभी लोगों का भी धन्यवाद।